ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बेज। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा चर्चा का विषय होने वाला है फीओ रजिस्ट्रेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर फीओ क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका एम क्या है। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि बेनिफिट क्या है अगर आप फीओ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आरसीएमसी सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप फीओ रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फीओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फीओ का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, इसके साथ ही प्राइवेट ट्रेड और इंडस्ट्री, इन दोनों ने जॉइंटली इंस्टीट्यूट किया था साल 1965 में और फीओ की स्थापना की गई थी। देखिए, अब हम बात करेंगे फीओ के मेन पर्पस की। तो इसका पर्पस होता है, इसका एम जो है यानी कि गोल, फीओ प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, साथ ही साथ गाइड करता है, रिप्रेजेंट करता है, असिस्ट करता है भारत के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक्सपोर्टर्स को। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो ट्रेड हो रहा है उसको फॉरेन मार्केट में प्रमोट करने का काम फीओ की तरफ से किया जाता है ताकि भारत को इसका फायदा मिल सके, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसका फायदा उठा सके और साथ ही साथ जो इंडियन मार्केट है उसको बड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन मार्केट में मिल सके। देखिए, फीओ जो एक्सपोर्ट प्रमोट करता है मर्केंडाइज को भी और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं उनको भी प्रमोट करने का काम फीओ की तरफ से किया जाता है। मेंबरशिप ऑफ फीओ। देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार किसी एक्सपोर्टर को अगर फीओ रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उससे पहले उसे आरसीएमसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। आरसीएमसी सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इसकी आवश्यकता एक्सपोर्टर्स को पड़ेगी अगर उन्हें जो ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर जितने भी लाभ आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉफिट है, बेनिफिट है, अगर उसका फायदा उन्हें उठाना है तो उन्हें आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा जो कि वैलिड है लाइसेंसिंग ईयर के जो 1 अप्रैल होता है तब से लेकर और 5 ईयर का जो पीरियड होता है उस 5 साल तक जो आरसीएमसी सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड रहता है। देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो फीओ है उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की तरफ से फीओ को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रिकॉग्निशन दी गई है। बेनिफिट ऑफ फीओ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको भी फीओ रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाना जरूर चाहिए और वो कौन कौन से फायदे हैं वो भी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। पहले फायदे की बात की जाए, ग्लोबल एक्सपोजर। फीओ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, असिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली उनको एक्सपोजर मिलता है और प्रमोशन में उनको काफी कुछ फायदा मिलता है। गाइडेंस वीया ऑनलाइन चैट। अगर आप फीओ रजिस्ट्रेशन होल्डर एक्सपोर्टर हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है यानी कि ऑनलाइन गाइडेंस के लिए और आप ऑनलाइन चैट कर सकते हैं कुछ इश्यूज को लेके, जैसे एफटीपी, कॉर्पोरेट लॉ, इन सभी को लेके आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जारी की जाती है। फ्री ऑनलाइन बिजनेस। देखिए, कुछ पोर्टल हैं वो फीओ मेंबर्स को एक फायदा देते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड 6 महीने का हो सकता है या 3 महीने का। उस टाइम पीरियड के अंदर जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सकता है। और जो वो कौन से वो पोर्टल है, देखिए अमेजोन है, ईबे, ऐसे काफी तरह के पोर्टल्स आते हैं जो फीओ मेंबर को ये सुविधा देते हैं। सब्सिडी ऑन एयर ट्रैवल। देखिए, फीओ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि आप हवाई यात्रा करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एयर टिकट होती है उसमें आसानी से मिल जाता है। इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट रेटिंग। अगर आप फीओ एक्सपोर्टर हैं तो कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसमें से सबसे प्रमुख है वो क्रिसिल है, वो 10% आपको डिस्काउंट देती है अगर क्रेडिबिलिटी एनालिसिस सर्विस अगर आप कराने जाते हैं तो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आरसीएमसी फीओ रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आपको फीओ का मेंबर बनना है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है वो भी हम आपको एक एक कर बताएंगे, जो कि इस प्रकार है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आरसीएमसी जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना होगा और सारी जो बिजनेस लाइन इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेंट का, एसएसआई आईएम सर्टिफिकेट वेयर द एप्लीकेंट इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है तो उसको एसएसआई आईएम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन देना होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर जो अफेक्टेड है ड्यूरिंग प्रीसीडेंट FY, और साथ ही साथ आपको कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा करनी होगी। अगर कंपनी है आपकी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में आपको पार्टनरशिप डीड जमा करनी होगी।
अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फियो की उसको विजिट करना होगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा जहां पर ये लिखा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर RCMC रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों एक नया टैब खुलेगा एंट्रेड का, और उस टैब में आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी रिलेटेड टू IC, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर RCMC। आपने ये प्रक्रिया की, उसके बाद आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जमा करनी होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करने होंगे। इसके अलावा आपको एक लेटर टू अथॉरिटी वो भी जमा करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड IEC वो भी जमा करना होगा, अगर GST डिटेल है तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद प्रक्रिया आएगी पेमेंट की, जितनी भी प्रिस्क्राइब फीस है जो लग रही है उसको आपको जमा करना होगा, आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस में सब कुछ चीजें सही निकलती हैं तो आप मेंबर बन जाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। पेनालिटीज, देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अगर आपको रजिस्टर कराता है, मेंबर बनाता है, तो उसके पास संपूर्ण अधिकार है कि वो आपको डीरजिस्टर भी कर सकता है, यानी कि जो आपकी मेंबरशिप है उसको खत्म भी कर सकता है। किस केस में, अगर जो टर्म्स कंडीशन रजिस्ट्रेशन के अगर वो आप वायलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो उन सारे केसेस में एक पेनालिटी के रूप में डीरजिस्टर हो सकता है। तो दोस्तों फियो रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी तो हमने आपको दे दी। भविष्य में अगर आप एक्सपोर्टर हैं, प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर का, इसके साथ ही आप प्लान कर रहे हैं फियो रजिस्ट्रेशन लेने का, मेंबर बनने का, तो आप कॉर्बिज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिज आपको सही दिशा दिखाता है, पूरे लीगल प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ आपका काम और भी आसान बनाता है। जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।